दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत के मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। कहीं बारिश तो कहीं हीटवेव का दौर चल रहा है। इन दिनों दिल्ली वासियों को तपती गर्मी से राहत मिल रही है। कभी छिटपुट बारिश तो कभी आसमान में काले बादल छा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को लू से राहत मिली हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अप्रैल तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि राजधानी बिहार की राजधानी पटना में प्रदेश के इसके साथ ही कई ऐसे सिटीज़ हैं जहां पर गर्म हवा के प्रवाह से मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 18 अप्रैल से मौसम में बदलाव आने के साथ गर्म हवा का प्रवाह बिहार में होगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी और भारत मौसम विज्ञान विभाग की अगर हम बात करें, IMD ने 20 अप्रैल तक देशभर के कई राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज यानी कि 17 अप्रैल को कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 17 और 18 अप्रैल को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम के अलग अलग इलाकों में झुलसाती गर्मी रहेगी। 16 से 20 अप्रैल के लिए ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी किया गया था। वहीं 17 और 18 अप्रैल को तेलंगाना में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें बारिश की तो मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा 20 अप्रैल तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, माहे सहित अन्य राज्यों में गरज के साथ बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश की भविष्यवाणी की गई है।